हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले BTS डेयर चैलेंज वाटरपूल। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आपके बताएं, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं BTS डेयर चैलेंज है वाटरपूल का, और ये क्यूट लाइव नहीं है लेकिन क्यूट लाइफ की तरह मतलब कि डब की हुई है किसी ने, तो इनको सब्सक्राइब आदमी करते हैं। लेट्स सी क्यूट के क्यूट लाइफ के अलावा डब देखते हैं कैसी है इनकी। हियर वी गो, लेट्स सी। वेलकम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले एपिसोड से मेरी बच्चे में इतना पानी घुस चुका है कि एक शर्ट भीगी और एक शर्ट गर्मी लग रहा है। ये बात मुझे भी और जो नेक्स्ट डिबेट टॉपिक निंजा हथौड़ी भाषी छोटा भीम बहस पहले शुरू कीजिए। भाई निंजा झुके गाने सबको बीच में से फाड़ के रख देगा, बीच में से तो बात निकलता है बे। तुम्हारा छोटू सा छोटा भीम एक नंबर के खिलौना आदमी है। हाँ? तो आपको क्यों मिर्ची लगी? मिर्ची है? इस भीम को टुनटुन मासी की लड्डू इतना पसंद है, लड्डू के लिए उनकी बेटी चुटकी को शेट करके रखा है। धन्यवाद निंजा हथौड़ी, उसको दो क्लब हाई और एक चिमकाटी को आज तो तारी ढोलू बोलू की तरह कॉन्फ्यूजिंग तो नहीं है। अरे हथौड़ी अपने गांव से किराए पे रहने आया था और आपके तलवार की नोक पे घर पे कब्जा कर लिया। हिंदू की नोक तो तलवार की नोक। छोला छोटा भीम खुद की तो माए बाप है नहीं, ढोलकपुर की माए बाप बन के बैठा है। निंजा हथौड़ी एक नंबर के घर की लौंडा है, एक साथ दो लड़की कैसे बना सकता है? भाई 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 ची ची तू इस पर ना बंद कर। गुड, भाई टाइम खत्म हो रहा है, जो भी खाता पाई करना है जल्दी करो। इस हथौड़ी की तो एक गर्लफ्रेंड है सोनम, जिसके साथ रोज नहीं मिल सकते, इसी लाया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो और एक गर्लफ्रेंड बनेगा जो उसके दोस्त करने चली। भाई छोटा भीम तो इतना लौंडिया बाज है, इंदु मती तो उसको मनी मन पट्टी मार चुका है। वो तो एक ही है जिसके लिए लड़के गरबा चित की ब्रात भी रखता है, द वन एंड ओनली सबकी पट्टी पंचमैन। मटे जल्दी खिला स्टार्ट कर। यस सर, नेक्स्ट खिला की टॉपिक फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट, चलिए लड़ना शुरू कीजिए। फुटबॉल, मैं तो उसमें दादा हूँ, तुम लोग पहले को जानते हो। जानता हूँ, आज मैंने 8 भटूरे पेला, फिर 2 पेला चने के साथ, फिर 2 पेला चने के साथ। अबे पहले इंसान है खाने की चीज नहीं। अरे वही तो, चने गोल, भटूरे भी गोल, फुटबॉल भी गोल, गोल भी गोल, सारे मीठे बोल। जय फुटबॉल। इस क्रिकेट में है क्या, एक ही सड़ा हुआ बासी मैच 5 दिन तक चलता रहता है और लास्ट में ड्रॉ हो जाता है। हमारे क्रिकेट में लड़की होता है। अबे वो लड़की नहीं, चीयर लीडर होता है, सारे गेम में होता है। तुम्हारा ये फालतू फुटबॉल कितना अच्छा है कि किसी चैंपियनशिप पे टिकता क्यों नहीं? क्या बोला भाई, कानपुर पे हड़ताल है क्या? तुम लोग तो गजब बेइज्जती करते हो फुटबॉल की, करने के पैसे जो मिलता है। वैसे तुम्हारा इस फुटबॉल के प्लेयर रहता कहाँ है? देखो जाके कहीं कोने में गली क्रिकेट खेल रहा होगा। नहीं तो क्या, सारे फैंस पट्टू गिरा आंटी जी ना इडली बड़ा सांभर, ऐसी देशों का तो नाम भी ठीक से नहीं लिया जाता। इंडियन फुटबॉल टीम की तो नाम और निशान नहीं है। जानू तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं तो उधर देखो बाबू, चुचुंदर के पत्ते छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो लो फुटबॉल, तुम्हारी माँ की चप्पल। डांगू कॉल, जिस तरह 10 लौंडे एक लड़की के पीछे भागता है, वैसे एक बॉल के पीछे सारे फुटबॉल प्लेयर भागता है और लास्ट में गोल ही नहीं कर पाता। गंदा, सिर्फ क्रिकेट की स्कोर देखने के लिए ट्रैफिक जैम करा के दूरबीन लेके छोटी दुकानों पे झांकोगे, ऊपर से नूरा की पोस्टर लगी है वो कौन देखेगा? इंडिया में बच्चा उंगली से पहले बैट चूसता है। फुटबॉलर बनने के लिए करना ही क्या पड़ता है, छपरियों की तरह बाल पिला कर ये होगी। फुटबॉल तो बेचारा पहले से गोल, फिर भी उस गोल को गोल कराने के लिए मारी जाता है, जी तो करता है गोली मार के छेद करता है। किसको? मुझे क्या पता। अबे मुकेश तो हाथ में चला। देखो भाई, अब मुद्दे से बात को मत, नहीं तो मुद्दे में तो मारूंगा। महाराज, वी आर रेडी, प्लीज फेंकिए। इतना पानी पी के झाग हो गया है, फेंक के मारो। बट आई लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो
पहले जाके अपनी बाल धोबे। तुम्हारा क्रिकेट बोलने तो दो। हाँ, क्रिकेट में विकेट के पीछे एक बंदा हमेशा हाथ फैला के लाइक भीख मांगने लग जाता है हर दिन। हाँ नहीं तो क्या? और अंपायर हमेशा बड़ी उंगली करता है। पौवा पी क्या? क्या पता उसको बड़ी टॉयलेट लगी हो? अबे बेवड़ो, अंपायर उंगली दिखा के आउट समझाते हैं। इसका मतलब पैंट पे हो गया। ये तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा। अंपायर पैंट पे मुद्दा है। कान खोल के सुन लो। इस टाइम वेस्ट फुटबॉल इज द बेस्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, मेसी, जॉन बेडोनी। बेड़ा गिलो तेरा। शुभम क्या है? बेबी मुझे तुमसे खिला खिला नहीं जाता। तुम लड़कियों के दिलों से कैसे खेलोगे? बहुत हो गया, आपको दारू पिला दे जो आहिस्ता आहिस्ता चोर चोर। तेरे पैर पे छोड़ दू? नहीं तो तेरे पैर पे एक सीढ़ी लगा के उसपे बच्चा छोड़ दू। क्यों बे, वो बच्चा चढ़ेगा क्या? गया भैंस पानी में। तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? जानो तुम मुझ पे चढ़ो ना। घर पे तो इतना प्यार नहीं बरसाते। सॉरी ना। देखो मेरा नाम अभी भी है हॉबी गुबी। मेरा भी है इनविजिबल। मेरा भी वो कभी मिट गया। तो जिम से खुद तो बत्तख है और इसकी बत्तख जैसे हाथों ने वाटरप्रूफ कर दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं हूँ असली विनर। ले अब तो मिट गया। अब तो क्या करना? आज तो बच्चे ने मेरा पुंगी बजा डाला रे। बाप जी, स्कूल में पढ़ के तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, इधर ही डिग्री ले ले जो जबरदस्ती ले लीजिए। दीजिए मुझे, मुझे दीजिए। हम बराबर बांट लेंगे। नहीं बे, मैं तो अंग्रेजी पीता हूँ। 70 रुपए की पौवा को अंग्रेजी बोल रहा है। मुझ पे क्या कैमरा फोकस कर रही हूँ? मैं नंगा होके अपनी छाती नहीं दिखाऊंगा। बे सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। तो कैसी लगी ये वीडियो? कमाल की वीडियो थी और काफी अच्छी डब की हुई थी इनकी, और मतलब काफी अच्छी थी। आवाज भी काफी अच्छी थी, डायलॉग भी काफी अच्छे लिखे हुए थे, मजा आ गया इनके डब में भी। तो इनको सब्सक्राइब, इनका नाम है लाइफ फॉर फन चैनल का नाम है, तो जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लो इनको। और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।